गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर गुड। एंड आज की इस वीडियो में आपके लेकर आ गए हूं टॉप 10 लाइटरूम के डीएनसी प्रीसेट्स। एंड भाई काफी सारे लोग आप में से बोल रहे थे यार आप एक्सएमपी प्रीसेट देते हो बहुत दिनों से यार, बट डीएनजी प्रीसेट भाई आप नहीं देते हो। तो आज की इस वीडियो में आपके लेकर आ गए हूं टॉप 10 ऐसे कमाल के लाइटरूम के डीएनजी प्रीसेट जिसके यूज करके आप लोग अपनी फोटो में भाई चार चांद लगा सकते हो। तो अगर आपको ये प्रीसेट जो है डाउनलोड करना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपको जो पासवर्ड देखने को मिलेगा एंड वही पासवर्ड आपको अनलॉक करते टाइम में जिप फाइल में डालना है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करना, अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जो हमने अपना ZHMR को ओपन कर लिया है, तो आप चाहो तो अपना नॉर्मल फाइल मैनेजर ओपन कर सकते हो। तो मैं हमेशा की तरह अपना ओपन कर लूँ ZHMR, बिकॉज फाइल मैनेजर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, प्रीसेट अच्छे से एक्सटेंड नहीं होता, पासवर्ड नहीं लेता है अच्छी तरीके से। तो आप लोग अपना ओपन कर लीजिएगा ZHMR, अगर आपके फोन में नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिएगा ZHMR, ये भी एक फाइल मैनेजर का तरीका होता है। और आपको अपने आ जाना डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड्स पर, आप डाउनलोड्स पर आने के बाद आपके यहाँ पर दिख रहा होगा टॉप 10 LRDNG प्रीसेट बाय अल्फा एडिटिंग .zip। आपके यहाँ पर क्लिक करना है जी फाइल के ऊपर और यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ऊपर राइट पे क्लिक करना है, यहाँ पर टिक है राइट, यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद अभी आपको यहाँ पर राइट पे क्लिक करना है, यानी फिर से यहाँ पर आपको ग्रीन एरो पे क्लिक करना है। आपको जाना है डिवाइस मेमोरी के अंदर और यहाँ पर ऊपर प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू फोल्डर पे क्लिक कर लेना है, नहीं तो आप अपने कोई भी फोल्डर पे या फिर बाहर ही पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर से टॉप 10 जो हमारा प्रीसेट है यहाँ पर सिर्फ 10 लिख दूंगा और यहाँ पर ओके पे प्रेस कर दूंगा। अब ओके पे प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट करने का एक ग्रीन बटन है, यहाँ पर हम ग्रीन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायर बता रहा है, तो मैं यहाँ पर से पासवर्ड डाल लेता हूँ। और पासवर्ड डालने के बाद हमारा जो DNG प्रीसेट है एक्सेट यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग पासवर्ड जानने के लिए इस वीडियो को जो है पूरा वॉच करना। ये मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया। अब डालने के बाद पासवर्ड यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। देन ओके पे क्लिक करने के बाद जो हमारा टॉप 10 प्रीसेट, तो यहाँ पर हमारा टॉप 10 प्रीसेट हो चुका है एक्सट्रैक्ट। तो ये बहुत ही कमाल का प्रीसेट है। तो अब हम चलते हैं हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन जो ओपन करेंगे और इसका जो इफेक्ट जो है उसको चेक करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं हमने अपना लाइटरूम एप्लीकेशन जो इसको ओपन कर लिया। देन ओपन करने के बाद आपके यहाँ पर ऑल फोटोज पे क्लिक करना और आपको अपना जो भी फोटो ऐड करना है ना उसको यहाँ पर लाइटरूम के अंदर इंपोर्ट करके रखना है। तो यहाँ पर से मैं चार फोटो हमारे ऊपर देख सकते हैं इंपोर्ट करके रखा हूँ, बहुत सारी फोटोज जो हमारी। ओके तो अभी हम लोग जो क्या करेंगे यहाँ पर ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। अभी ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर JPG इसमें से टिक को हटा देंगे राइट टिक को, और यहाँ पर वीडियो इसमें से राइट टिक को हटा देंगे। और आपके सामने यहाँ पर जो रॉ फाइल्स है यहाँ पर जैसे टिक उसमें रहने देना है। अभी आप लोग के सामने जितने भी रॉ फाइल्स है जो DNG प्रीसेट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो कुछ प्रीसेट जो यहाँ पर से ऐड कर लेता हूँ जो हमको लाइटरूम एडिट करना है, तो यहाँ पर से नौ प्रीसेट जो मैं यहाँ पर से ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग के। तो यहाँ पर हमारा प्रीसेट जो यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो हम लोग को कुछ सेकंड्स बस वेट करना है। ओके देन हमारा एडिटिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो प्रीसेट है यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं। ओके तो ये प्रीसेट है। अभी यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। अभी ऐड पे क्लिक करने के बाद बैक जाएंगे हम लोग और यहाँ पर आपको कोई भी फोटो के ऊपर जो इसको पेस्ट कर लेना है। तो हम इस वाले फोटो के ऊपर इसको थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट सेटिंग्स। अभी यहाँ पर देख सकते हैं भाई बिफोर एंड आफ्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और इस फोटो पे भी देख सकते हैं आप लोग ट्राई करके, तो देख सकते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है हमारा प्रीसेट। ओके 100% बेस्ट है और 100% भाई वर्किंग है ये। आप लोग भाई श्योर, मैं श्योरली बोल सकता हूँ यार आपको यार डाउनलोड कर सकते हो आप लोग काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो इसको। ओके अभी देख सकते हैं और भी हमारे पास प्रीसेट्स है, तो ये देख सकते हैं ये मुझे स्पेशली यार फोटो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़। यहाँ पर कॉपी सेटिंग करेंगे, कॉपी सेटिंग करने के बाद बैक पे जाएंगे और इस वाली फोटो को ओपन करेंगे। अभी यहाँ पर जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट सेटिंग्स, और ये बूम हमारा जो ये फोटो ना मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रीसेट जो लगा है ना भाई ये लगा है, और इस फोटो के ऊपर जो अप्लाई हुआ है ना भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़ देख के। ओके तो हम दूसरी फोटो पर भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये फोटो में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये फोटो में भी देख सकते हैं ब्लू वेज भाई एक कलर टोन आ रहा है, बेस्ट कलर टोन नेचुरल सा, ज़्यादा भी नहीं है। ओके अब यहाँ पर इस वाले फोटो को ओपन करते हैं, शॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेस्ट सेटिंग्स, और यहाँ पर देख सकते हैं भाई काफ़ी कमाल के हमारे फोटो एडिट हो चुके हैं। और हम कुछ डार्क प्रीसेट भी हमारे पास में, तो उसको भी ट्राई करते। तो ये जो है डार्क प्रीसेट यहाँ पर शॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी सेटिंग करेंगे, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे, बैक पे जाएंगे और यहाँ पर जो इस वाली फोटो को ओपन करेंगे, यहाँ पर शॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेस्ट सेटिंग्स, और ये हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है। अब इस वाली फ़ोटो को ट्राई करके देख लेते हैं।
ओके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर टोन देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा फोटो हमारी नेचुरल टोन एक खिल के आ रही है। ओके अब इस वाले पे ट्राई करते हैं, ये फोटो स्पेशली ज़्यादा अच्छा है तो इसके ऊपर देखते हैं भाई। इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई, यही तो मेन चीज़ है ना फोटो की, मतलब जो ये फोटो जिस तरह से क्लिक हुआ है, जिस तरीके से बैकग्राउंड है, इसके ऊपर कोई भी प्रीसेट जो है अप्लाई हो जाएगा। ओके अब ये फोटो ट्राई, ये प्रीसेट जो ट्राई करते हैं, यहाँ पर कॉपी सेटिंग करेंगे, यहाँ पर इस वाले फोटो को ओपन करके इस वाले पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं भाई, कोई भी प्रीसेट आप लोग इस पे पेस्ट कर सकते हो ये फोटो के ऊपर। ओके तो आपका भी कोई ना कोई ऐसा फोटो होगा जो कोई भी प्रीसेट जो इस पे अप्लाई हो जाएगा और आपको अच्छा लगे देखने को। यार आप लोग खुद कन्फ्यूज हो जाओगे यार, मेरे जो कौन का प्रीसेट, मतलब कौन सी इफेक्ट लगानी मेरे फोटो पर, सब तो अच्छे लग रहे हैं ना। ओके तो यही प्रीसेट का काम होता है भाई यार, तो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा ये टॉप 10 प्रीसेट DNG प्रीसेट जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के है। तो आई होप आपको देखने के बाद पता चल गया होगा प्रीसेट का इफेक्ट कैसा है। एंड हाँ, अगर आपको पासवर्ड मिल गया तो यार कमेंट सेक्शन में मत लेना, अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला तो आप लोग फिर से जाइए स्टार्टिंग से वीडियो को पूरा देखते हुए आइए, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको कहीं भी पासवर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।